हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आई होप कि आप लास्ट क्लास की जो वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझाई गई थी, बताई गई थी, उसकी प्रैक्टिस किए होंगे और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपको। तो आज की हम वीडियो में भी नई नई चीज़ें सीखेंगे। तो आज का जो हमारा क्लास है एनिमेशन के बारे में है और की फ्रेम और स्पीड मैनेजमेंट, ये तीन चीज़ें आज हम सीखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम वीडियो को यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। यहाँ पर वीडियो ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद सबसे पहले हम चीज़ जो सीखेंगे वो सीखेंगे एनिमेशन। एनिमेशन होता क्या है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको समझना होगा एनिमेशन कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरे जगह पर मूव होना या फिर घूमते हुए आना, चलते हुए आना। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो घूमती फिरती रहती हैं, ये सारी चीज़ें हमारी एनिमेशन की कैटेगरी में आती हैं, हम उसको एनिमेशन बोलते हैं। मान लीजिए हमारा एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है और दूसरी जगह पे ऑटोमेटिक चला जाए तो हम उसको एनिमेशन बोलते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक गया है तो उसको एनिमेट होना कहते हैं हम। तो जैसे मान लीजिए हमारा ये वीडियो है, हम वीडियो पर डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक जैसे ही करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारे फोर्थ नंबर पर आप देख रहे हैं ऑप्शन आ रहा है एनिमेशन। एनिमेशन में यहाँ पर आपको प्रीसेट दिखाई दे रहा होगा, प्रीसेट वाले हमें ऑप्शन पे जाना है। जैसे कि हम यहाँ इस वाले वर्टेक्स आउट को हम यहाँ जो हमारा प्रीसेट पड़ा हुआ हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं अपने वीडियो में। जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद आप वीडियो को प्ले करके देखिए क्या होता है। तो दोस्तों जो हमारा वीडियो है घूमते हुए आएगा, तो आप देख सकते हैं हमारा जो वीडियो है घूमते हुए आ गया यहाँ पर। तो हमारा एनिमेशन इसी तरीके से काम करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि एनिमेशन में ये जो हमारे प्रीसेट दिए हुए हैं ऑलरेडी, ये हमारे फिल्मोरा की तरफ से हैं। आप इसको खुद से भी बना सकते हो, खुद से ही यूज कर सकते हो, ये बहुत ईजी बनाना। तो यहाँ पर आपको प्रीसेट और एनिमेशन समझ में आ गया होगा कि एनिमेशन होता क्या है। यहाँ पर आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन अभी आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप देख सकते हैं पहले यहाँ पे, सबसे पहले देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे स्केल को मैं कम या ज़्यादा कर रहा हूँ तो यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है इसका साइज में इसके काफ़ी फ़र्क आ रहा है। ओपिसिटी भी कम या ज़्यादा हो रहा है। तो अभी यहाँ से हमें छेड़छाड़ कुछ भी नहीं करना है। आई होप कि आपको एनिमेशन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है हमारा स्पीड मैनेजमेंट। तो चलिए स्पीड मैनेजमेंट देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए हमारा कोई वीडियो है, हम उसको स्लो मोशन में बनाना चाहते हैं, पहले फास्ट फिर स्लो। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, तो हमारी ये वीडियो है, यहाँ पर मैं चल रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं यहाँ से इसको कट कर देता हूँ। कट करने के बाद मुझे यहाँ से स्लो करना है, तो मैं यहाँ आऊँगा, यहाँ से कट कर दिया इसको। अब हमें ये वाला जो पार्ट है हमें इसको स्लो करना है। तो स्लो करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है यहाँ पर वीडियो को यहाँ क्लिक करना है एक बार, और एक बार क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक घड़ी बना हुआ ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर नीचे ही हमारा ये जो ऑप्शन आ रहे हैं, बहुत सारे टूल बने हुए आ रहे हैं, इस पर एक घड़ी बनी हुई आ रही है, स्पीड लिखा हुआ है। इस यहाँ से आप अगर आप करते हैं तो यहाँ पे आप अगर डबल क्लिक करके करते हैं तो आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, स्लो, फास्ट और नॉर्मल फ्रीज फ्रेम। लेकिन ये हमें ऑटोमेटिक ही पहले से ही सेट हैं, जो कि विंडर सेल फिल्मोरा की तरफ से पहले से ही सेट होकर आया है। तो हमें अपने तरफ से मैनुअली करना है। इसके लिए आपको करना क्या है, कस्टमाइज करने के लिए सबसे पहले आप उसको डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको स्पीड दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है। अब मुझे इसकी स्पीड स्लो करनी है, तो मैं इसको पीछे साइड ले जाऊँगा। तो मैं इसको थोड़ा और थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ। तो अभी इस वीडियो का मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ, तब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी वीडियो किस तरीके से चलेगी। तो आप देख सकते हैं पहले हमारी वीडियो नॉर्मल मोड पे था, इसके बाद फिर स्लो, अब देखिए फिर से फास्ट हो जाएगा क्योंकि हमने इसको चेंज नहीं किया था। तो इस तरीके से हमारा स्लो और फास्ट काम करता है। एक बार और आपको सारे ऑप्शन खुल कर दिखाता हूँ। इस पर डबल क्लिक करना है, यहाँ पे आपके ड्यूरेशन चेंज कर सकते हैं। अगर आप स्पीड को यहाँ से कम करेंगे तो स्लो होगी, बढ़ाएंगे तो तेज़ होगी। यहाँ से आप वीडियो को रिवर्स भी कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। मान लीजिए हमारा ये वीडियो, मैं इसके आगे के पार्ट को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर ऑल्ट प्रेस करके स्लाइड करके एक इसकी कॉपी लेता हूँ। कंट्रोल सी करके भी ले सकते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। तो हमने इसकी एक कॉपी ले ली, यहाँ पर इसको रख दिया। इसके बाद आप इस पर डबल क्लिक कीजिए, स्पीड पे जाना है, स्पीड जाने का आपको रिवर्स करना है। जैसे रिवर्स करेंगे आप
पूरी देख लीजिए होता क्या है। तो हमारी जो वीडियो अभी स्लो में चल रही है, अभी आगे की तरफ चल रहा है, अब रिवर्स में जाएगा। इस तरीके से हमारा रिवर्स काम करता है, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर से रिपल एडिट यहाँ ऑप्शन आ रहा है। रिपल एडिट आपको नहीं करना है, आपको लास्ट क्लास में बताऊँगा। और यहाँ पर हमारा आ रहा है टोन्स मेंटेन ऑडियो पिच, तो ये भी हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हर कोई यूज़ नहीं करता। ये भी आपको लास्ट क्लास में बताऊंगा, फिलहाल आपको स्पीड समझना था। स्पीड को अच्छी तरीके से समझ लीजिए किस तरीके से काम करता है, स्लोमो, इस रिवर्स और फास्ट, ये तीन चीज़ें याद रखिए। स्पीड में तीन चीज़ें मेन हैं, जो कि स्लो, फास्ट और रिवर्स, तीन चीज़ें काम करती हैं। इसके बाद हमारा लास्ट ऑप्शन आता है की फ्रेम। की फ्रेमिंग दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा। इसी के थ्रू हम एनिमेशन बनाते हैं वीडियो में, इसी के थ्रू हमारा कलर चेंज भी कर सकते हैं, इसी के थ्रू हमारी चीज़ें ए टू जेड सारी चीज़ें बनती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। की फ्रेम जो हमारा की फ्रेम का मतलब है, अगर हम कोई किसी ऑब्जेक्ट पर अगर की फ्रेम सेट करते हैं पहले ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे, तो हमारा पहला ऑब्जेक्ट जहाँ से स्टार्ट होता है दूसरे ऑब्जेक्ट तक जाते जाते उसमें जो कुछ बदलाव आते हैं उसके बीच में, वो हमारा की फ्रेम काम करता है। की फ्रेम के थ्रू ही हम एनिमेशन से बनाते हैं, ग्लिच बनाते हैं। आपने देखा था लास्ट क्लास में हमने बताया था ग्लिच किस तरीके से काम करता है, हमारे कौन सी वीडियो में काम करता है, ये भी सारी चीज़ें बताई थी हमने। तो ग्लिच की वीडियो कैसे बनाते हैं, ब्लर कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें आप किस तरीके से बना सकते हैं, मैं चलिए आपको बताता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या, मान लीजिए ये हमारी वीडियो है, इस वीडियो को मैं चाहता हूँ कि जूम हो और फिर उसके बाद जूम इन हो, जूम आउट हो, जूम इन हो, जूम आउट हो। इसके लिए आपको क्या करना है, मान लीजिए सबसे पहले मैं चाहता हूँ वीडियो हमारा एक सेकेंड बाद जूम हो, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अब मैं इसको एक फ्रेम आगे बढ़ाता हूँ, सॉरी दो फ्रेम बढ़ा लेता हूँ, दो फ्रेम आगे बढ़ा लिया। आगे बढ़ाने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि हमारी वीडियो यहाँ से जूम हो जाए, तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा। एनिमेशन पे जाना है, एनिमेशन पे जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐड का ऑप्शन आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। एक बार फिर से बता रहा हूँ, सबसे पहले आप वीडियो पे डबल क्लिक कीजिए, इसके बाद आपको एनिमेशन पे जाना है, यहाँ पर आपको ऐड का ऑप्शन दिख रहा है, ऐड पे क्लिक करना है। जैसे ही ऐड करेंगे यहाँ पर एक सर्कल बना हुआ आ जाएगा, मतलब हमारा यहाँ से हमारा फ्रेम स्टार्ट होगा। अब हम यहाँ से एक फ्रेम आगे बढ़ाएंगे, एक फ्रेम आगे बढ़ाने के बाद यहाँ पर हम इसका स्केल बढ़ा देंगे, इसके बाद एक फ्रेम और जाएंगे, यहाँ पर हम 100 कर देंगे, इसके बाद फिर एक फ्रेम हम आगे बढ़ाएंगे, फिर इसको ज़्यादा कर देंगे, फिर एक फ्रेम आगे बढ़ाएंगे, फिर इसको 100 कर देंगे। एक बार और ऐसे सेम रिपीट कर लेते हैं, 127। एक लास्ट और रिपीट कर लेते हैं 100। तो हमने इसको कम ज़्यादा सेट कर लिया। तो अब इसको वीडियो को प्ले करके देखते हैं क्या होता है। तो आपने देखा कि हम चाह रहे थे कि हमारे वीडियो जूम इन हो, जूम आउट हो, जूम इन हो, जूम आउट हो, तो किस तरीके से हो रहा था जूम इन जूम आउट, तो ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। तो इसको स्लो किस तरीके से करना है, स्लो करने के लिए सिंपली कुछ नहीं करना, आपको एक की फ्रेम दिखाई दे रहा होगा, की फ्रेम को आप आगे बढ़ा दीजिए। मैं की फ्रेम को थोड़ा और दूर दूर रखता हूँ, आपको घबराना नहीं है किसी भी तरीके से। तो ऑलमोस्ट हमारी ये वीडियो जो है जूम इन जूम आउट का एनिमेशन तैयार हो चुका है, तो चलिए देखते हैं। तो आपने देखा कि हमारा वीडियो जूम इन जूम आउट किस तरीके से प्रॉपर वर्क कर रहा है, किस तरीके से, जिस तरीके से हम चाह रहे थे वैसा
शो हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि हमारी वीडियो जो है यहाँ पर तो दिखाई दे रही है, आगे चल के ओपेसिटी कम हो फिर ज़्यादा हो, कम हो फिर ज़्यादा हो, उसके लिए भी सेम प्रोसीजर अपनाना है। वीडियो पर यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एनिमेशन में जाना है, ऐड पे क्लिक करना है, ओपेसिटी को कम कर देना है, फिर 4 फ्रेम आगे जाना है, फिर ओपेसिटी 100 कर देना है, फिर 4 कदम आगे जाना है, फिर ओपेसिटी कम कर देना है, फिर सेम चीज़ को रिपीट करना है, फिर 100 करना है, तो इसी तरीके से 4 बार हमें ये चीज़ें अपनानी है। उसके बाद लास्ट हमें 100 करना है। चलिए प्ले करके देखते हैं। तो आपने देखा जूम इन जूम आउट के साथ साथ हमारा ओपेसिटी भी किस तरीके से काम कर रहा है। तो इस तरीके से आप वीडियो को एनिमेट कर सकते हैं, इसके पोजीशन को भी आप इधर या उधर चेंज कर सकते हैं, इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो आज फ़िलहाल के लिए आप इतना ही प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करके हमें काम भेजते रहिए। अगर किसी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ईमेल दिया हुआ ईमेल भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।